कोशिशों के बावजूद हो जाती है अक्सर हार। होके निराश मत बैठना मन को अपने मार। पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिर गिर कर हर बार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीना छंगाणी गहलोत क्लासेस से आप सभी के सामने कक्षा 7 की सीरीज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है वो लेके आई हूँ। और हमारा सबसे पहला अध्याय है पाठों में पोषण। पोषण के बारे में बात करने से पहले हम पोषक तत्वों की बात करेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व जैसे कि आप सभी को पता है जितने भी सजीव हैं उनको अपनी वृद्धि और विकास के लिए कुछ आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं उनके भोजन के अंदर, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, रफेज, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं पोषण की। पोषण की विधियां जो दो तरह की होती है, एक तो पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एक मनुष्य जो भोजन के लिए पादपों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम इसे दो भागों में वर्गीकृत करेंगे पोषण को, एक होता है स्वयं पोषी और एक होता है विषम पोषी। अब स्वयं पोषी के अंदर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो विषम पोषी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार पोषण की वीडियो को दो भागों में हम विभक्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की पोषक पदार्थों के साथ। तो पोषक तत्व, सबसे पहले पोषक तत्व। ऐसे पदार्थ अथवा तत्व जो मनुष्य जंतु तथा पौधे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब पोषक तत्वों में कौन आएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट वसा पौधों के लिए इतना उपयोगी नहीं है क्योंकि ये खुद इसको निर्मित करते हैं। तो पादपों के लिए क्या आएगा, जिसमें विभिन्न गैसें हैं, जल है और खाद है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, रेशे। अब बात करते हैं पोषण की। जैसे मैंने आपको बताया कि पोषण को दो भागों में विभक्त किया गया है, तो पोषण इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे। एक होगा स्वयं पोषी और एक होगा विषम पोषी। विषम पोषी, तो पोषण की दो प्रक्रिया, स्वयं पोषी एवं विषम पोषी। तो स्वयं पोषी में जैसे कौन आएंगे, हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे बेटा वो सब किसमें आएंगे, स्वयं पोषी के अंदर। और विषम पोषी में भी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनको विषम पोषी की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले परजीवी। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो परजीवी होते हैं, ठीक है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद सहजीवी, सहजीवी जो एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करके भोजन प्राप्त करेंगे। तीसरा मृतोपजीवी, और चौथा आएगा कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी,
तो इस तरह से हमने दो श्रेणियों में विभक्त किया, एक होती है प्रज्ञा स्वयंपोषी वाली और एक होती है विषमपोषी। स्वयंपोषी जैसे पादप है, पादप अपना हरे होते हैं, उनके अंदर एक लवक होता है जिसको हम हरित लवक कहते हैं। हरित लवक का काम क्या होता है बेटा, सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करना, जल तथा CO2 यानी कि जो वातावरण में गैस उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मनुष्य के लिए तो हार्मफुल है लेकिन पादपों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, उन दोनों को जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाकर और सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वो क्या करते हैं, ऊर्जा भी निकालते हैं और साथ में जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है वो भी हमें प्राप्त करवाते हैं। इस तरह प्लांट हमारे लिए यानी पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन क्या आपको पता है जो ये पौधे होते हैं सिर्फ वो ही उत्पादक होते हैं, हम लोग नहीं होते। कई बच्चे ये बोलते हैं मैडम हम भी तो हमारा भोजन स्वयं बनाते हैं। बेटा आप भोजन निर्मित करते हो, पकाते हो, लेकिन भोजन उत्पादन करना अलग बात होती है। हम भोजन उत्पादक नहीं है, हम भोजन पका कर खाते हैं, ठीक है। तो उत्पादक सिर्फ प्लांट होते हैं, क्योंकि हमको जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती है, अनाज होते हैं, वो सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ये दो थे स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो चलिए बात करते हैं पोषण और स्वयंपोषी की। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बात करते हैं स्वयंपोष और स्वयंपोषी पोषण की। तो स्वयंपोष वे पौधे जैसे हरे पौधे जो हरे लवक के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोष कहते हैं, ठीक है। अब स्वयंपोषी पोषण की होगी, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, ये अपना भोजन खुद बनाएंगे, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते। अब हरे पौधे में जैसे मैंने आपको बताया था कि हरित लवक होता है, तो बात करते हैं हम लोग हरित लवक की। हरित लवक क्या है, हरित लवक, हरित लवक जैसे आपने देखा होगा कि पत्तियों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। पत्तियों की जब हम मतलब अनुप्रस्थ या ये अनुदैर्ध्य काट करते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हरी पत्तियों के अंदर एक वर्णक होता है हरित लवक, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आप सभी को प्रोसेस पता है कि जड़ है उसका काम होता है जल को अवशोषित करना। फिर ये तना होता है, तने के अंदर भी बेटा जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक होते हैं, वो क्या करते हैं पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं, खनिज लवणों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, वृद्धि कर रहे हैं धीरे धीरे, तने के ऊपर बहुत सारी पत्तियां आएंगी, पत्तियों के अंदर होता अपना हरित लवक। अब ये बेचारा हरित लवक क्या है, रसोई है, किचन है, काम करता रहता है, सूरज की रोशनी लेगा, जल लेगा, ठीक है, उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, CO2 को चारों ओर फैलाएगा, तो कितना इम्पोर्टेंट काम करता है हरित लवक। अब बात करते हैं पत्तियों के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा पत्तियों के बाद फूल बनते हैं। अब फूल जो होते हैं बेटा आगे जाके फल बनते हैं और फल से हमें बीज प्राप्त होते हैं और वापस बीज से हम पुनः पादप को बना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो पहले हरित लवक क्या है, हरित लवक एक ऐसा वर्णक है जो केवल पौधे में ही पाया जाता है, जो केवल हरे पौधों में ही पाया जाता है। पत्तियों के अंदर हरित लवक उपस्थित होता है। इसे पादपों की रसोई घर भी कहते हैं। क्या कहेंगे हरित लवक को, इसे पादपों का रसोई घर भी कहते हैं। तो ये था हरित लवक। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हरित लवक तो होता है पत्तियों के
के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि पत्तियों के अंदर कुछ छिद्र भी होते हैं जिसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब रंध्र का क्या काम है, रंध्र का काम जल को बाहर निष्कासन करना है। कैसे करेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा करेंगे। हम कई बार देखते हैं कि जैसे हम लोग तो उत्सर्जन कर लेते हैं, लेकिन पादपों के अंदर जो उत्सर्जन होगा वो कैसे होगा, तो पादपों के अंदर भी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी बाहर निकालना होता है। कुछ तो जड़ अवशोषित कर लेगी, तने तक पहुंचा देगी, पत्तियों तक पहुंचा देगी, पत्तियां उपयोग भी कर लेगी, लेकिन उसके बाद अगर अधिक पानी होगा तो क्या होगा, तो धूप के अंदर वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पानी ऊपर चला जाएगा, तो उसके लिए पत्तियों पे बहुत सारे रंध्र भी होते हैं। ठीक है, अब रंध्र के अंदर देखो बेटा, उसके अंदर भी CO2 का आना और जाना होता है। पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं उसी के अंदर से ही CO2 अंदर जाएगी। ठीक है, अब CO2 जैसे ही अंदर जाएगी, पानी जैसे ही अंदर जाएगा, पत्तियों के अंदर हरित कवक अपना काम करना शुरू कर देगा, और हरित कवक काम करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वो आगे जाके आपको भोजन की प्राप्ति करवाएगा। जो हमें फ्रूट मिलते हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। मैं अपना ये अध्याय यहीं पे समाप्त करूंगी। आगे वाले जो भाग के अंदर हम सारे जितने भी विषयों को सी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। मैं नीना छंगाणी आपसे अलविदा लूंगी। टेक केयर and keep your study continue. Bye-bye.